This video is brought to you by Howzat. Download the app now. क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? Howzat पे खेलो लेजेंड्स के साथ, हमें हरा और जीतो डबल कैश। लॉग ऑन टू howzat.com एंड विन रियल कैश। आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से विधायक हैं सोमनाथ भारती। एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दिल्ली के एक अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने फैसला सुनाया। कहा कि अभियोजन पक्ष भारती पर लगे आरोप साबित करने में सफल रहा। गवाहों के बयान से साफ है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ एम्स में हंगामा किया, रोकने पर कर्मचारियों से मारपीट की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। वहीं इस मामले में अदालत ने 4 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी भी कर दिया। कोर्ट ने भारती को 2 साल की सजा सुनाई थी, हालांकि उन्हें बेल मिल गई है। इंडिया टुडे की पूनम शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक विधायक सोमनाथ भारती ने अदालत से उन्हें प्रोबेशन पर छोड़े जाने का अनुरोध किया था। सोमनाथ भारती की तरफ से वकील एन हरिहरन पेश हुए और विधायक को प्रोबेशन पर छोड़े जाने का अनुरोध करते हुए दलील दी थी कि वह इकलौते विधायक हैं जो फोन पर भी जनता की समस्याएं सुनते हैं। सोमनाथ भारती के वकील ने सजा पर बहस के दौरान कहा कि उन्होंने मामले की जांच में पूरा सहयोग किया है। इसके अलावा 2016 में हुई इस घटना के दौरान किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। जनता के बुलावे पर ही वो एम्स पहुंचे थे। सोमनाथ भारती की तरफ से ये भी दलील दी गई कि उन्हें पहली बार अपराधी ठहराया गया है, परिवार में इकलौते कमाने वाले हैं, बीमार मां की जिम्मेदारी है, 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। कोर्ट ने भारती को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधी धारा 3 के तहत दोषी ठहराया है, 2 साल की सजा सुनाई। 3 साल या उससे कम सजा वाले मामलों में अपील दायर करने तक जमानत का प्रावधान है, इसलिए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ 9 सितंबर 2016 को एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने हौसखास थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सुरक्षा अधिकारी का आरोप था कि भारती व अन्य ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने की कोशिश की, अस्पताल की शांति भंग करने का प्रयास भी किया। शिकायत में कहा गया था कि अपने समर्थकों के साथ आरोपी विधायक ने सुरक्षा अधिकारी की पिटाई की। इस मामले में भारती की गिरफ्तारी भी हुई थी, फिर गिरफ्तार हो गए हैं। हाल में सोमनाथ भारती सुर्खियों में रहे। भारती पर पुलिस के साथ अभद्रता करने का आरोप है। ये भी आरोप कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए कह दिया कि योगी की मौत निश्चित है। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है। इस घटना के बाद रायबरेली में सोमनाथ भारती पर एक और FIR की गई, जिसमें सरकारी अधिकारी को ड्यूटी ना करने देने और अपशब्द कहने संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई। भारती को 11 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक कोर्ट के इस फैसले को सोमनाथ भारती हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास रखते हैं, हालांकि हमें लगता है कि इस मामले में सोमनाथ भारती के साथ अन्याय हुआ है। सोमनाथ एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभी का प्यार उन्हें मिलता है। उनके निर्वाचन क्षेत्र में लोग काफ़ी दुखी हैं क्योंकि उनकी सज़ा की खबर फैल रही है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।